नमस्कार, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल और मैं हूं आशीष कुमार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रोजाना अपडेट रखते हैं, पल पल की खबर। और आज की जो खबर है वो है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की हालत जिस तरह से इस समय है उसको पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान उस जली हुई जो है वो रस्सी की तरह है, जिसकी मतलब कि जल तो जाती है जो रस्सी, लेकिन उसकी अकड़न और ऐठन जो है वो नहीं जाती है। अब देखिए, पाकिस्तान में जो इस समय हालात है वो काफी बद से बदतर है, यहां तक कि वहां रोटी को लेकर भी जो है लड़ाई हो रही है। आटा खत्म हो गया है, कभी पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है, और आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान में गैस की भी किल्लत देखी जा रही है। लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है, और जितने भी लोग न्यूज देखते हैं उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तान की हालत ये क्यों हो रही है। दरअसल पाकिस्तान की ये हालत जो है उसके लिए कई चीजें जिम्मेदार है। जिस प्रकार से पाकिस्तान पर जो है विदेशी कर्ज है उसको लेकर पाकिस्तान की हालत जो है इस समय खराब है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ सरकार है, या फिर इससे पहले जो आपको इमरान खान काफी चीज लेकर आए थे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, नए वादे किए थे उन्होंने, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान में 200 रुपए मतलब कि लीटर जो है वो दूध बिक रहा है, और 200 रुपए जो है दर्जन केला बिक रहा है, इसके अलावा कई सारी चीजें हैं, पेट्रोल जो है वो 150-200 के ऊपर जा चुका है लीटर के। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान की हालत है उसको IMF यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है वो भी देख रहा है, और वो बिल्कुल भी अब पाकिस्तान को जो है कर्ज देने से एक तरह से मना कर चुका है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं आपको शहबाज शरीफ, वो भी इस बात को भले जानते हैं, और उन्होंने अभी हाल ही में इस चीज को जो है वो माना है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत जो है वो खराब है। पाकिस्तान की हालत कब से खराब हुई है, जब से पाकिस्तान में जो है आप देखेंगे कि बाढ़ आया था हाल ही के समय में, और उस बाढ़ से भी पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है। लेकिन आते जाते आपको ये चीजें जरूर नजर आएंगी कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, और आए दिन पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का पर्याय है, आतंकवाद जो है कहते हैं आतंकवाद की जड़ें जो है वो पाकिस्तान में ही गड़ी हुई है, और आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। अभी हाल ही में आपको पेशावर के एक मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को जो है उड़ा लिया, और उनके आसपास जितने भी लोग थे करीब 50-60-70 आदमी से ज्यादा लोग जो है इसमें मौत के घाट उतर गए। तो पाकिस्तान में इस समय हालत इतनी ज्यादा खराब है कि आपको सिंध और बलूचिस्तान, ये जो दो इलाके हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर लोग जो है वो आटे की मारामारी के लिए लोग मतलब कि एक तरह से दौड़ रहे हैं। आटा का बोड़ा जो है वहां पर वो इतना महंगा हो गया है कि लोगों की पहुंच जो है वो इससे दूर हो गई है। और पाकिस्तान में खास बात यह है कि अभी पाकिस्तान की जिस प्रकार से हालत है उसका काफी करीबी माने जाने वाला दोस्त जो कि ड्रैगन यानी कि चाइना, जो कि उसका उसके साथ वो CPEC भी ला रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन पाकिस्तान को इस हालत में देखकर भी जो है चाइना अपने हाथ खींच रहा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान की हालत खराब है, और इस मौके में इस समय अगर वो पाकिस्तान की मदद कर देता है, लेकिन आए ना दिन वो करेगा ही, ये बात भी क्लियर है, क्योंकि चाइना की आदत है कि वो ऐसे देशों की मदद वैसे समय में करता है जब वो परेशान होता है। अभी चाइना फिर से एक बार फंड दे देगा, या फिर कोई खाड़ी देश जो है वो फंड दे देगा, लेकिन इसकी पूर्ति चाइना काफी महंगे तरीके से करता है। महंगे तरीके से कहने का मतलब है कि वो या तो पाकिस्तान से कोई ऐसा डील करेगा जिसमें कि वो जमीन की बात होगी, या फिर इतना ज्यादा ब्याज दे दिया जाएगा कि पाकिस्तान उसे चुका नहीं पाएगा। आपने देखा ही हाल ही में कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ, श्रीलंका में क्या चीजें बदली, किस प्रकार से श्रीलंका में जो है वो एक तरह से बर्बाद हो गया श्रीलंका। तो आपको पाकिस्तान जिस प्रकार से जिस दौर से भी गुजर रहा है उसको देख उस पर जो है वो विश्व भी नजर बनाए हुए है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इस समय काफी चीजों की किल्लत है, गैस से लेकर पेट्रोल और इसके अलावा काफी चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान जो वहां पर है वो लोग महंगाई से हैं। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, भारत में अगर महंगाई बढ़ती है, जैसे कि बढ़ी हुई है या लोग कहते हैं काफी ज्यादा बढ़ी हुई, तो यहाँ काफी कुछ हल्ला होता है, लेकिन आप पाकिस्तान की महंगाई को देखेंगे तो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार जो है बिल्कुल भी नाकाम है इस समय जो पाकिस्तान में महंगाई है, और पाकिस्तान लेकिन वो जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो उसकी आदत है, आदतें कई बार छूटती नहीं है, और पाकिस्तान की हालत इस समय वही है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से चीजें सुधरती हैं, या फिर पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी, कौन सा देश उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। पाकिस्तान के दोस्तों में अगर बात करें तो पाकिस्तान के काफी अच्छे करीबी मित्र भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो टर्की है, जो कि आए दिन कश्मीर पर बयान देता रहता है। उसके अलावा जो है आपको कई खाड़ी देश हैं, मुल्क हैं जो कि
पाकिस्तान का साथ देने की बात करते हैं, लेकिन इस समय पाकिस्तान की जो है हालत बेहद नाजुक है, काफी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन पाकिस्तान की जो है मदद करने वाला फिलहाल अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। IMF भी अपने हाथ खींच रहा है, आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान को ये बात अब समझ जरूर आ चुकी है कि अगर उसने आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ा, आतंकवाद का साथ अगर वो देता रहा, तो उसकी हालत जल्द ही जो है वो बद से बदतर होने वाली है। कैमरा पर्सन कनिष्क के साथ आशीष कुमार, नई दिल्ली, झंडेवाला, टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।